बहुत तेज़ दिमाग वाला बच्चा चाहते हैं तो प्रेगनेंसी टाइम में ये तीन चीज़ें ज़रूर खाइए। सबसे फर्स्ट चीज़ है प्रोटीन। प्रेगनेंसी टाइम में प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं एग खा सकते हैं, वो एग से प्रोटीन लें। एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। कभी भी एग को कच्चा नहीं खाएं, आप इसे बॉईल करके या अदरवाइज़ जैसे भी कुक होता है वैसे आप इसको खाएं। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं वो पनीर खाएं, पनीर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप बादाम खाएं। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ प्रोटीन के अलावा जो सेकंड चीज़ है जो खाई जाती है वो है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री भी प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ओमेगा थ्री होता है मछली में, होता है अखरोट में, होता है या अलसी में होता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में अलसी नहीं खाई जाती। मछली जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली खा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह पका के खाएं और बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। बहुत ज़्यादा अलसी खाने से एक तो एसिडिटी होती है और पेट में जलन और चुभन फील होती है। इसीलिए आप इसकी बजाय, मछली की बजाय आप अखरोट भिगो कर खाइए। अखरोट में बहुत ज़्यादा ओमेगा थ्री होता है और बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप दो सब्जियां ज़रूर खाइए, वो है ग्रीन सब्जियां, वो है पालक और ब्रोकली। पालक और ब्रोकली खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है। इसके अलावा फ्रूट में संतरा ज़रूर खाइए। और सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके आसपास आप एप्पल ज़रूर खाएं। खाली पेट एप्पल नहीं खाएं, खाली पेट एप्पल खाने से कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है चना स्प्राउट। चना आप चाहे एक दिन आप चने के स्प्राउट निकाल के खा लीजिए और एक दिन मूंग के स्प्राउट निकाल के खा लीजिए। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूर खानी है लिमिट की क्वांटिटी में, यानी आप दिन में 4 से 5 चम्मच ही चने के स्प्राउट खा सकते हैं चाट बनाकर, और मूंग के स्प्राउट भी आप 4 से 5 चम्मच खा सकते हैं, यानी एक कटोरी के करीब आप इसको खा सकते हैं। ये चीज़ें खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है। इसके अलावा चीनी कम खाएं। ज़्यादा चीनी खाने से बच्चे का माइंड स्लो होता है, इसीलिए चीनी कम खाएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।